पार्ट टाइम मास्टर्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, वहाँ पे है। वहीं पे अगर आपने यूनिवर्सिटी से स्विच कर लिया कॉलेज में कम फीस के चक्कर में, तो 5 साल बाद में आपको पता लगेगा कि पार्ट टाइम मास्टर्स में सिर्फ आपको एक सैटरडे की क्लास लेनी होती है मास्टर्स के लिए, और वो जो मास्टर्स 2 साल का होता है वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसकी लेंथ ड्यूरेशन हो जाती है आपकी 4 साल। और अगर आपने बैचलर्स वहाँ से करी है, आपकी पीआर वहाँ पे हो गई है, तो मास्टर्स की जो फीस लोकल स्टूडेंट्स देते हैं वही आपको देनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आपने यूनिवर्सिटी से स्विच कर लिया कॉलेज में कम फीस के चक्कर में, तो 5 साल बाद में आपको पता लगेगा कि वो जो पैसे मैंने बचाए थे ना 3 साल में, वो तो मैं 6 महीने में कवर कर सकता था अगर मैं डिग्री कंप्लीट करता था। और वहाँ जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में उतरते हो आप, उतरते ही आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी पहुँचोगे ना, यूनिवर्सिटी पहुँचते पहुँचते आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही मिल जाएंगे आपको कि तेरा कॉलेज में करा देता हूँ, यहाँ 20-25 लाख रुपये फीस लगेगी, वहाँ तेरा 7-8 लाख रुपये साल में हो जाएगा, क्यों 10-12 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो इन चीज़ों में आपको नहीं आना है। आपने क्या कर रखा है? BCA फाइनल ईयर कब कंप्लीट होगी? 25 में, तभी तो टाइम है आपके पास। आप तो ERP की प्लानिंग करो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की। BCA की में कितनी परसेंटेज आ रही है अभी? फर्स्ट डिवीज़न आ रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी से? राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी वैसे तो सेक्शन 2 या 3 में आती है मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में।